नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जैसे आप लोगों को पता है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से ढेर हो चुकी है बॉक्स ऑफिस में। उसका जो कलेक्शन है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने तो इस मूवी को देखा ही नहीं, और जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है उनका जो रिव्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि आमिर खान की ओवर एक्टिंग के कारण ये जो मूवी है ये टिक नहीं पाई, और इसकी जो लंबी कहानी है इसके वजह से भी ये मूवी दर्शकों के दिलों को छू नहीं पाई। आमिर खान की जो करतूतें थी इसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए थी, और वो अभी उनको मिल चुकी है। बहुत बड़ा झटका लगा है नेटफ्लिक्स के तरफ से भी, जब नेटफ्लिक्स ने ये बताया है कि आमिर खान की जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा इसको नेटफ्लिक्स रिलीज नहीं करेंगे। जो डील हुई थी नेटफ्लिक्स और आमिर खान 200 करोड़ रुपए की, और 3 महीने के बाद इस मूवी को OTT में रिलीज करने का निर्णय लिया था आमिर खान ने। लेकिन अभी इस फिल्म की बुरी परफॉर्मेंस के बाद नेटफ्लिक्स ने भी जो डील थी वो कैंसिल कर दी, और ये कन्फर्म हो चुकी है कि ये जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा ये नेटफ्लिक्स पे अब नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि Viacom18 की जो ऐप है वोट, उसमें शायद लाल सिंह चड्ढा आ जाए। लेकिन जो भी हो जाए, आमिर खान को एक करारा जवाब मिला है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद आमिर खान का जो स्टेटमेंट है वो देख के सारे लोग चौंक गए थे, क्योंकि आमिर खान एक वक्त सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ करते थे। उनकी मूवी PK में सुशांत ने काम किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद आमिर खान ने एक बार भी सुशांत के जस्टिस के लिए बात नहीं की। 4 सालों के बाद आमिर खान फिर से आए थे अपनी पुरानी मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद। आमिर खान को उम्मीदें थी कि लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन ऑडियंस ने उसे सुपर डुपर फ्लॉप कर दिया। ऑडियंस का जो पावर है उसके सामने बॉलीवुड टिक नहीं पा रही है, और सारे जो निर्माता है, निर्देशक है, वो अपनी मूवी रिलीज करने के पहले सैकड़ों बार सोच रहे हैं। जो हीरो हीरोइन है उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनका जो करियर है वो ओवर हो गया है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स के अलावा कोई भी रास्ता खुला नहीं है इन लोगों के सामने, और पब्लिक क्या कर सकती है ये इनको पता चल चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत को जिन सारे लोगों ने धोखा दिया था उन सभी के साथ अभी बुरा हो रहा है। सबकी वाट लग चुकी है, और अब सबको पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत कौन था। आपको इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।